वर्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा एंथनी और आज हम बात करने जा रहे हैं इवनिंग स्नैक्स के बारे में। दोस्तों, जैसे शाम होना शुरू हो जाती है वैसे पेट में चूहे दौड़ना शुरू हो जाते हैं। ये इवनिंग हंगर टाइम्स में न जाने बहुत सारे लोग क्या क्या सोचने लगते हैं कि आज शाम में क्या खाना चाहिए। और आप ऑफिस में हो या घर पे, फिर आप चिप्स, बिस्किट्स, फरसान, वड़ा, समोसा, न जाने क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में सोचने लगते हैं और खा भी लेते हैं। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो या तो खाते हैं या तो कुछ भी नहीं खाते हैं, और फिर डिनर में दे एंड अप विद मोर कैलोरीज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट एंड हेल्दी इवनिंग स्नैक्स ऑप्शन, जो आपको घर पे भी और बाहर भी इजीली अवेलेबल होते हैं और जिसे खाने से यू विल फील फुल फॉर द लॉन्गर टाइम। हमारा फर्स्ट इवनिंग स्नैक्स ऑप्शन है जो कि बेस्ट है, रोस्टेड चना। रोस्टेड चना आपको मार्केट में या घर पे आप इजीली अवेलेबल करा सकते हो। दोस्तों, रोस्टेड चना में फैट्स ना के बराबर होते हैं और उसकी कैलोरीज भी कम होती है और उसमें प्रोटीन्स भी ज्यादा पाया जाता है। 50 ग्राम्स रोस्टेड चना में सिर्फ 82 कैलोरीज ही है। सेकेंड बेटर ऑप्शन है बॉइल्ड चना। बॉइल्ड चना सैलेड या बॉइल्ड चना भेल। बॉइल्ड चना विद ओनियन, कुकुम्बर, टोमेटो इज अ माउथ वाटरिंग डिश। बॉइल्ड चना सैलेड बनाने के लिए आप मेरा वीडियो जरूर देखिए जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है। बॉइल्ड चना सैलेड या बॉइल्ड चना भेल इज लेस देन 200 कैलोरीज और इसमें प्रोटीन्स भी काफी है और इसे खाने से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। थर्ड ऑप्शन इज बॉइल्ड एग सैलेड। इसमें आप एग व्हाइट का ही इस्तेमाल कीजिए और 2 से 3 एग्स ही लीजिए। इसमें भी आप कुकुम्बर, ओनियन, टोमेटो, ग्रीन चटनी के साथ जैसे आपने चना सैलेड बनाया था वैसे ही आप ये सैलेड बनाइए, सिर्फ यहां चने के बदले आप एग व्हाइट लीजिए। बॉइल्ड एग सैलेड अगेन इट इज लेस देन 150 कैलोरीज और इसे भी आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, तो आप डिनर में लाइट फूड ले सकते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन है पनीर सैलेड या पनीर भेल। पनीर भेल भी आपको दोस्तों वैसे ही बनानी है जैसे आपने चना सैलेड बनाया था। यहाँ पे आपको चने की जगह पनीर का इस्तेमाल करना है, लेकिन दोस्तों पनीर सिर्फ आप 30-40 ग्राम ही लीजिए और बहुत सारा कुकुम्बर, टोमेटो, कैरेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ ऑप्शन है मखाने या मखना। इसे लोटस सीड्स या फॉक्स सीड्स भी कहा जाता है। मखाने क्रंची है और इसे आप टेस्टी बना सकते हैं। मखाने को आप रोस्ट कीजिए। रोस्ट करते वक्त उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, पेपर पाउडर और सॉल्ट डालिए और आप इसे खा सकते हैं। इसे खाने से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। मखाने इज रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। 25 ग्राम्स मखाने की कैलोरीज इज लेस देन 100 ही है। अब सिक्स ऑप्शन इज वन एप्पल। वन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे। ये कहावत दोस्तों रियली सच है। आप एप्पल को इवनिंग स्नैक्स में जरूर ऐड कीजिए। वन मीडियम साइज एप्पल इज लेस देन 100 कैलोरीज और एप्पल के बेनिफिट्स तो आप सभी लोग जानते हो। आज सेवेंथ ऑप्शन इज नट्स एंड सीड्स। नट्स में यहाँ पे आप वाटरमेलन सीड्स ले सकते हो, पंपकिन सीड्स ले सकते हो, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो और आप नट्स में 5 to 6 बादाम, 2 to 3 वॉलनट्स या पाम साइज आप पीनट्स ले सकते हो। लेकिन पीनट्स लेते वक्त दोस्तों आप रोस्टेड पीनट्स ले सकते हो लेकिन सॉल्टी नहीं लेना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाइब्रेंट वर्षा। योगा, फिटनेस एंड ब्यूटी के लिए आप मेरा दूसरा चैनल लुक गुड जरूर देखते रहिए।